नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी की मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे फिनोल के बारे में कि फिनोल क्या होती है। आज हम चर्चा करेंगे फिनोल के स्टेबिलिटी के ऊपर। जी हाँ, कि स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल यानी कि फिनोल के स्थायित्व के ऊपर बात करेंगे, यानी कि फिनोल का स्थायित्व। सबसे पहले अपन इस स्थायित्व का मतलब समझते हैं कि यदि केमिस्ट्री के अंतर्गत यदि स्टेबिलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो मोस्टली रूप से स्टेबिलिटी के अंतर्गत हम यहां पे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी को कि यानी कि स्टेबिलिटी हमेशा ही आवेश के यानी कि जो भी हमारा चार्ज होता है, जो रिलेशन दिया जाता है, यानी कि आवेश के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मोस्टली रूप से आवेश के जो स्थायित्व है यहाँ पे वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे यदि आवेश की बात करूँ तो मोस्टली रूप से चार्ज की बात करूँ तो आवेश बराबर होता है क्या भाई, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ। अर्थात यहाँ पे देखिए, मोस्टली रूप से यदि मैं बात करता हूँ, यदि किसी भी कंपाउंड के में किसी भी एटम के ऊपर यदि चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज का मतलब यहाँ पे किससे है भाई, एनर्जी से है। यानी कि किसी भी कंपाउंड का चार्ज बढ़ता है तो उसका क्या बढ़ता है भाई, उसकी एनर्जी बढ़ती है। यदि एनर्जी बढ़ती है तो उसकी क्या बढ़ती है भाई, रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता बढ़ती है। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। यदि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है भाई, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे स्थायित्व का इनडायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ में भाई, चार्ज के साथ में। ये चार्ज क्या हो सकता है, ये चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। यदि हमारा क्या हो जाए भाई, चार्ज कम हो जाए, सपोज करिए क्या हो गया है, चार्ज किसी भी एटम के ऊपर डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी की बात करूं, यदि रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और यदि क्रियाशीलता कम हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम फिनोल के स्टेबिलिटी के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। देखिए बेसिकली आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपके ऑप्शन में इस प्रकार से आएगा, निम्न में टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए और फिर क्वेश्चन डाल दीजिएगा इस प्रकार से, फिनोल एवं एल्कोहल के स्थायित्व की व्याख्या करें। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि फिनोल एवं एल्कोहल के स्थायित्व की व्याख्या करें। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझना है और फिर इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन कर सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मोस्टली रूप से हम स्ट्रक्चर्स देख चुके थे फिनोल की, यानी कि किस कोई भी बेंजीन रिंग होगी उसके एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन यदि किससे कर दिया जाए, OH ग्रुप से कर दिया जाए तो ये क्या कहलाती है भाई, फिनोल कहलाती है। यदि एल्कोहल की बात करूं तो किसी भी एल्किल समूह के साथ में डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ होगा, OH समूह जुड़ा हुआ होगा, तो ये तो फिनोल हो गया एंड ये क्या हो गई, एल्कोहल हो गया। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि इन दोनों का यदि कंपेयर करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखिए मोस्टली रूप से यदि मैं पहले ही बात करूं तो देखिए किसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन, फिनोल के ऊपर। देखिए मोस्टली रूप से यदि इसके हाइड्रोजन को हटा दूं मैं, या हाइड्रोजन क्या कर दें यहां से रिलीज हो जाए किस रूप में, एच प्लस के रूप में हो जाए, तो हमारे पास में यहाँ पे बनता है क्या भाई, फिनोक्साइड आयन। जी हाँ, क्या बनता है भाई, फिनोक्साइड आयन। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग कर गया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसे क्या बोलते हैं अपन,
फिनोक्साइडाइन। जी हाँ, फिनोक्साइड आयन होता है ये। जबकि यहाँ पे अल्कोहल में यदि मैं बात करूं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में निकाल दें तो हमारे पास में शेष बसी हुई स्पीसीज कहलाती है एल्कोक्साइड आयन। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं भाई, एल्कोक्साइड आयन। तो हमारे पास में देखिए दो स्पीसीज बनी है, यदि यहाँ से एच प्लस का रिलीज करा दें तो यहाँ पे एक तो फिनोक्साइड आयन बनता है और एक एल्कोक्साइड आयन बनता है। इसे मैं ऊपर बना देता हूं इस प्रकार से, देखिए तो ये वाली स्पीसीज बनी है हमारे पास में। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो फिनोक्साइड आयन और ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव लगाते हैं कि किसके ऊपर कौन सा प्रभाव लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन में ये R है और R का मतलब यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो इस एल्किल ग्रुप का यदि मैं बात करूं तो कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और मोस्टली रूप से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट रूप से डिलोकलाइजेशन ना होकर या विस्थानीकरण ना होकर आंशिक रूप से क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। इसकी वजह से यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट रूप से एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई प्रभाव लगता है। यदि यहाँ पे प्लस आई प्रभाव समूह है अर्थात इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये रिपेल करता है, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या बढ़ जाता है भाई, चार्ज बढ़ जाता है। यदि यहाँ पे ऋणावेश है तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस प्रकार से वृद्धि कर देता हूँ इस चार्ज की, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पहले इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज था तो अब ये बढ़ चुका है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे देखिए क्या बढ़ चुकी है, डेंसिटी बढ़ चुकी है, यहाँ पे चार्ज बढ़ चुका है। तो देखिए ये चार्ज बढ़ गया है, तो यहाँ पे देखिए यदि जब भी क्या बढ़ता है चार्ज हमारा, यानी चार्ज के रूप में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो यहाँ पे देखिए चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें भी प्लस आई, क्योंकि एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई। तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ती है भाई, ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी क्या होती है भाई, बढ़ती है, तो एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो चार्ज बढ़ गया है, एनर्जी बढ़ गई है, इसके बाद में एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ती है भाई, रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता बढ़ जाएगी क्या, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो रिएक्टिविटी बढ़ जाने के कारण यदि मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी यानी कि उसका स्थायित्व क्या हो जाता है भाई, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है, तो डिक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से यदि यहाँ पे मैं बात करूं फिनोक्साइड आयन की, तो मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए एक कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, फिर क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर सिंगल फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है भाई, डबल बॉन्ड है। इस प्रकार की संयुग्मि अवस्था पाई जा रही है यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। यानी कि मैं बात करूं तो यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है, अनुनाद की पॉसिबिलिटी है, अर्थात यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में हम यदि प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट यानी कि अपन बात करें रेजोनेंस को मोर प्रायोरिटी मिलती है बजाय किसके भाई, इंडक्टिव इफेक्ट के। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड स्टेट बनी है तो नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो जाता है, हमारा पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो चार्ज था वो किधर शिफ्ट हो गया है, रिंग की ओर शिफ्ट हो गया है इस प्रकार से। तो यदि इसकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की यदि फॉर्म बनाना चाहूं तो मैं इस प्रकार से बना सकता हूं, इस ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड आ जाता है इस प्रकार से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये जो प्रभाव है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंतर्गत बढ़ रही है, समझ रहे हो इस बात को। तो रिंग में क्या हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है,
जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर यदि मैं बात करूँ, तो इस ऑक्सीजन एटम पर यदि मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है भाई, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि चार्ज कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। यदि एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। यदि रिएक्टिविटी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो अपन ने बात सामने निकल के क्या आती है कि इन दोनों की यदि मैं तुलना करता हूँ फिनोल की और एल्कोहल की, तो फिनोल में फिनोक्साइड आयन और एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन की यदि स्टेबिलिटी की यदि बात करता हूँ, तो मोर स्टेबल कौन होता है भाई, फिनोक्साइड आयन अर्थात फिनोल होता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि ये अपना कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद में यदि हम आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कार्य कर रहा है, रेजोनेंस कार्य कर रहा है, इसकी इसी कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, ऑक्सीजन पे तो क्या हो गई भी कम, लेकिन रिंग में क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वो कंप्लीट रिंग में डिलोकलाइज्ड होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए कंप्लीट रिंग में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज घूमता है जब भी इसके रेजोनेटिक अपन हाइब्रिड बनाते हैं तब। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि इसकी कंप्लीट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं इसको, मैं बना देता हूँ इसकी फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप, और आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसमें आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा किस प्रकार से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है। देखिए ये हमारा फिनोक्साइड आयन है, इस प्रकार से इस फिनोक्साइड आयन पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख पा रहे हो कि जो भी संयुग्मी अवस्था है तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशन में इस कॉन्जुगेटेड स्टेट में नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये पाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि ये जो पाई बॉन्ड है जो नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना सकते हैं, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया है भाई, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया है, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस प्रकार से। अब आगे नेक्स्ट आगे देखिएगा आप, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो फिर से यही कॉन्जुगेटेड स्टेट हमें प्राप्त हो रही है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज किधर घूमेगा, इस बॉन्ड की तरफ या इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और फिर यहाँ पे देखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो जो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट या जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी, ये इस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे है, तो इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे हो फिर से जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है हमें कौन सी प्राप्त होगी, फिर से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और फिर से डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड, ये जो चार्ज है इस प्रकार से शिफ्ट होगा, तो ये जो नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या मिलती है हमारे पास, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे है। यदि यहाँ पे नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है इस प्रकार से, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें क्या मिलती है, फिर से ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, अर्थात यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं, इसका कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है, ये अपनी क्या हो गई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई। यदि इसका हाइब्रिड बनाना चाहते हैं अपन, यानी कि अनुनादी संकर बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंप्लीट रिंग हो गई, इस कंप्लीट रिंग में कौन सा चार्ज घुमा है, नेगेटिव चार्ज घुमा है, ये ऑक्सीजन हो गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या दर्शाएंगे अपन, नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया भाई, अनुनादी
संकर हो गया, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे इस रिंग में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, इंक्रीज हुई है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, अब कम हुई है, यानी कि चार्ज कम हुआ है। वलय के अंतर्गत चार्ज बढ़ा है, लेकिन हमें देखना क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखना था, जिससे हमें पता चला कि वहाँ पे फिनोक्साइड आयन था वो एल्कोक्साइड आयन की तुलना में मोर स्टेबल है, या अपन यू भी कह सकते हैं कि जो फिनोल है वो एल्कोहल की तुलना में क्या है भाई, मोर स्टेबल है। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनाई जाती हैं फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।